गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मीट मी वंस अगेन, इट्स मुकेश गोस्वामी, हाय कैलियो आराध्या स्पोकन इंग्लिश सेंटर। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने सबसे सरल, सबसे प्रभावी स्पोकन इंग्लिश सिखाने का सबसे उत्तम रास्ता लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताते आ रहा हूं, यह एक रास्ता है, मंजिल नहीं। ठीक है, आप देखते ही देखते, मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि मेरे हर एक वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहे, आप स्पोकन इंग्लिश हंसते खेलते मुस्कुराते हुए सीख जाओगे। हाँ, लेकिन इस क्लास को समझने के लिए सबसे पहले मेरे जो लास्ट वीडियो मैंने वो डे वन और डे टू अपलोड किया है, जो लाइव है, उसको आप शुरू से अंत तक बने रहे, श्रेणीबद्ध देखें। डे वन को सबसे पहले शुरू से अंत तक देखें, उसके बाद डे टू का क्लास को देखें, फिर जाकर डे थ्री के क्लास को देखेंगे और आप देखोगे कि किस एंगल से आप इस इंग्लिश को सीख रहे हो। हाँ, मैं 2 मिनट लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस, जो लास्ट क्लास हमने दिया था, उसका प्रैक्टिस मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास को बताया था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? दो। क्या क्या? एक सिंगुलर नंबर, एक प्लुरल नंबर। क्या? एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लुरल नंबर। यस स्टूडेंट्स, इसी प्रकार मैंने नेक्स्ट क्लास दिया था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्संस, पर्संस कितने होते हैं। ठीक है, तो पर्संस कितने होते हैं स्टूडेंट्स? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्संस। क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यस स्टूडेंट्स, तो मैंने लॉजिक भी कुछ क्लास दिया था कि सबसे फर्स्ट में क्या आता है। तो मैंने एक थीम बताया था कि अमिताभ बच्चन जी हेलीकॉप्टर से आते हैं और पैसा गिरा देते और पूछते कि सबसे फर्स्ट में पैसा कौन उठाया था, तो आपने क्या बोला था? आई, मैं। यस यस स्टूडेंट्स, तो मैं यानी आई आपका कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। यू सेकंड पर्सन, बाद बाकी सबका नाम मैंने क्या रखा था? कचरा, और कचरा मींस थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कोड वर्ड नाम मैंने क्या रखा था? कचरा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी प्रकार मैंने बताया था कि जो बात अच्छी लगे उसको क्या बोलेंगे? इट साउंड्स गुड। यस स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे? इट साउंड्स गुड। बताइए तो, जो बात अच्छी लगे, यस यस, इट साउंड्स गुड। जो बात बुरी लगे, इट साउंड्स बैड। और जो बात हंसी लगे, इट साउंड्स फनी। और जो बात डर लगे, डरावना भी लो, इट साउंड्स टेरर। और जो बात आश्चर्य लगे, इट साउंड्स स्ट्रेंज। यस स्टूडेंट्स, अब मैं आज का वीडियो लेकर आ रहा हूं, शुरू से अंत तक मेरे वीडियो पर बने रहें और फिर देखिए आप आज के क्लास में क्या सीखते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आज रिटर्न का फर्स्ट डे मैं बता रहा हूं, जो सेंटेंसेस बनाने के लिए है, द यूज ऑफ इज एंड आर। यस स्टूडेंट्स, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर हिंदी का है, हो, सॉरी है, हूं या हो रहे, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? इज या एम या आर। लेकिन कब? जब जनरली उसमें कोई मैन वर्ब ना रहे, यानी कि मैन वर्ब नहीं रहे, तो हम है, हो, हूं रहने से इज एम आर का यूज कर सकते हैं। ओके, मैं बताऊंगा कि मेन वर्ब क्या होता है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए जनरली हम आर का यूज किसके साथ करते हैं? यू के साथ करते हैं। ओके, यू के साथ या प्लुरल नंबर, प्लुरल नंबर के साथ। एम का यूज हम लोग आई के साथ करते हैं, इसी प्रकार इज का कचरा सिंगुलर नंबर। तो कचरा हम लोग किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, अब देखिए, तो चूंकि अब हम लोग बता रहा हूं, एक सेंटेंस है, वह महान है। ओके, तो वह का स्टूडेंट्स क्या होता है? नहीं, आप बता सकते हो कि ही आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये कचरा है। यस यस स्टूडेंट्स, क्योंकि आई को आपका हो गया फर्स्ट, यू हो गया सेकंड, बाद में मैंने क्या बोला था? कचरा, ये तो कचरा है, तो कचरा के साथ क्या लगाते हैं? इज। यहां क्या लग जाएगा? इज। तो ही इज महान का ग्रेट, तो ही इज ग्रेट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए, इस दुनिया को जब बनाया गया था ना, तो दो चीज बनाया गया था, मां बनाया गया तो बाप बनाया गया, धूप बनाया गया तो छांव बनाया गया, पति बनाया गया तो पत्नी भी बनाया गया,
दिन बनाया गया तो रात बनाया गया, इसी प्रकार पॉजिटिव बनाया गया तो नेगेटिव भी बनाया गया। यस स्टूडेंट्स, जैसे कि वह महान है पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? वह महान नहीं है। ओके, तो वह महान नहीं है का क्या बनना चाहिए? यस यस, आप सही हो, इसका बनना चाहिए ही इज नॉट ग्रेट। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा बात पूछना चाहूंगा। देखिए आप बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हेमा मालिनी नाम सुने हैं? हाँ, हेमा मालिनी जो बहुत पहले एज एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में वर्क किया करते थे, ठीक है। आप आलिया भट्ट का भी नाम सुने होंगे? यस स्टूडेंट्स, आलिया भट्ट जो आज के जनरेशन में वर्क करती है बॉलीवुड में, ठीक है। तो बताइए इसमें कि आज के टाइम में बॉलीवुड में ज्यादा डिमांड किसका है, हेमा मालिनी का कि आलिया भट्ट का? यस स्टूडेंट्स, आज का डिमांड क्या है? आलिया भट्ट। यस, हेमा मालिनी तो पास के भी यूज होती थी ना। अब बताइए कि पहले के एक्ट्रेस लोग लॉन्ग लॉन्ग ड्रेस ज्यादा पहना करते थे कि शॉर्ट? यस स्टूडेंट, बताइए पहले के हीरो लोग क्या ज्यादा पहना करते थे? लॉन्ग ड्रेस। और आज की एक्ट्रेस लोग क्या पहना करती है? शॉर्ट ड्रेस, मिनी स्कर्ट। यस, यानी कि शॉर्ट का जनरेशन हो गया। तो बताइए स्टूडेंट्स, आज जो आप लोग क्लास कर रहे हो किस जनरेशन में कर रहे हो? पास्ट टेंस की प्रेजेंट है, ऑटोमेटिक आज के जनरेशन में। तो अगर आपको बोला जाए कि आपको चलना है किसी के साथ, तो किसके साथ चलना पसंद करोगे? आलिया के साथ कि हेमा मालिनी के साथ? ऑटोमेटिक हेमा मालिनी के साथ। वेल स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले के हीरोइन लोग, पहले के एक्ट्रेस लोग लॉन्ग ड्रेस पहना करते थे, और आज की एक्ट्रेस लोग क्या पहना करती है? शॉर्ट ड्रेस। यही है जनरेशन का खेल। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा समझिएगा, एक होता है इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। देखिए इसका मैं नाम रख दे रहा हूं अपनी कोडवर्ड भाषा में, हेमा मालिनी। ओके, जो बॉलीवुड के हीरोइन तो है, एक्ट्रेस तो है, लेकिन बूढ़ी हो गई ना, ओल्ड हो गई है। आज के जनरेशन में किसका डिमांड है? मिनी स्कर्ट का, शॉर्ट का, आलिया भट्ट का। यस, तो ये इज नॉट का शॉर्ट होता है इजंट, आईएस देंगे, एम लगाएंगे, आपको स्टॉपिंग देकर पी, इसको हम लोग पढ़ेंगे इजंट। ओके, ये जो है ना एम ओ टी, नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ये, इसको हम लोग पढ़ते हैं अंट। ओके, तो इज जोड़ अंट इक्वल टू क्या हो गया? इजंट। उसी प्रकार आर नॉट का शॉर्ट क्या हो जाएगा? ना आर लगाएंगे फिर इसको लिख देंगे, यानी एन एपोस्ट्रोफी टी, तो क्या पढ़ेंगे इसको? आर एंट, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी शॉर्ट क्या हो जाएगा? एमंट। उसे ग्रामर में एम नॉट का शॉर्ट आरंट होता है, एक्सेप्शनल केस में, क्यों आगे चल के बताऊंगा, अभी जल्दी जान लीजिए एम नॉट का शॉर्ट एमंट। ओके, तो इसको अब हम लोग नाम रख दिए हैं आलिया भट्ट। बताइए स्टूडेंट्स, आप किनके साथ चलना पसंद करोगे, हेमा मालिनी के साथ कि आलिया भट्ट के साथ? ना ऑटोमेटिक आप बोलोगे आलिया भट्ट के साथ सर, क्योंकि आज हम लोग आज के जनरेशन के हैं। यस, बताइए स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग करते समय आई डू नॉट नो मजा आ रहा है? आई डोंट नो। ऑटोमेटिकली क्या मजा आ रहा है? आई डोंट नो। कभी आप पे डिपेंड करता है कि आप चलना किसके साथ चाहोगे, हेमा मालिनी के साथ कि आलिया भट्ट के साथ? एक्ट्रेस दोनों है, किसके साथ चलना चाहोगे? आलिया के साथ, ठीक है। तो हम अब आज के बाद शॉर्ट के साथ चलेंगे, नॉट लॉन्ग के साथ। ओके, देखिए तो वह महान है, क्या हो गया? ही इज ग्रेट। वह महान नहीं है, He is not great, सही है, right है, लेकिन ये odd हो गया है। आज के जनरेशन में short का ज्यादा डिमांड होता है, spoken English में खास करके, ठीक है। तो अब हम जहां is not करते थे, हम क्या करेंगे? Isn't, okay? तो he isn't great. Well students, अब third नंबर में देखिए, third में क्या आएगा? क्या वह महान क्वेश्चन बन, क्योंकि क्या लग गया, क्वेश्चन बन गया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो ना, तो जो पहला सेंटेंस रहेगा उसका बीच वाला, तो बीच में क्या, ही इज ग्रेट, तो इज बीच में है, उसको हम लोग आगे कर देंगे। तो इज को आगे कर दिए, तो क्या बचा? ही को ग्रेट लिख दीजिए, तो इज ही ग्रेट, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। ओके,
शुरू था, जैसे कि मैंने बोला था कि जोड़ा होना चाहिए, हाँ ना, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव मैंने इंट्रोगेटिव है, लेकिन जनरली सेंटेंस में क्या पॉजिटिव रूप में है, तो इसको फिर नेगेटिव कीजिए, मैंने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह महान नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या करेंगे आलिया भट्ट में शॉर्ट में, इजंट, यस, तो इजंट ही ग्रेट, क्वेश्चन मार्क, एक जोड़ा दो जोड़ा, अब पांच नंबर में हम क्या करेंगे, वह महान क्यों है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, क्यों का यूज क्या होता है, वाई, अतः बनाते हैं वाई प्लस इधर का तीसरा नंबर यानी कि तीन नंबर, वाई प्लस थ्री नंबर, अब लिख दीजिए, तो क्यों का हो गया वाई वन टू थ्री, क्या बोल रहा है वाई प्लस थ्री, तो वन टू थ्री, थ्री में क्या बनाए हैं, इज ही ग्रेट, लिख दीजिए, तो क्या हो गया वाई इज ही ग्रेट, क्वेश्चन मार्क, ओके। इसका भी नेगेटिव कर दीजिए, तो नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह महान क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या कर देंगे, वाई करेंगे इज के जगह में शॉर्टकट आगे बढ़ वाला, तो क्या हो जाएगा इजेंट ही ग्रेट, क्वेश्चन मार्क, यस स्टूडेंट, ठीक है। आप देख सकते हो सेंटेंस मैंने किस एंगल से बनाया, दुनिया को कोई भी सेंटेंस हिंदी बंगला उर्दू कुछ भी बोलिए, सेंटेंस को छह रूप में ही तोड़ा जा सकता है, ठीक है। किस रूप में, नेवर हाँ फिर नहीं, फिर क्या नहीं, क्यों फिर क्यों नहीं, ठीक है। जैसे कि वो महान है ही इज ग्रेट, वो महान नहीं है न ही इजंट ग्रेट, क्या वह महान है न इज ही ग्रेट, क्या वह महान नहीं है मींस इजंट ही ग्रेट, वो महान क्यों है तो why is he great, वो महान क्यों नहीं है why isn't he great, okay students, आप अपने कॉपी में इसको आप कॉपीराइट कर सकते हो, लिख सकते हो, ताकि मैं इसको इरेज करके फिर कुछ अलग बताऊं, ताकि आपको और आसान तरीके से इसको समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं एक मिनट को होल्ड करता हूं, आप इसको कॉपी कर लो, ओके। वेल स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको कर सकते हो कॉपीराइट, तब तक मैनेज कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस को बनाने का क्या क्या तरीका है, देखिए एक बार हां और एक बार मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, सेकंड में नहीं, मतलब पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है, दो नंबर सॉरी तीन नंबर ना, तीन नंबर में इसमें क्या लगाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है ना, एक वाला सेंटेंस का बीच वाला आगे कर देते हैं, ओके। चौथा में क्या करते हैं ना, फिर वही क्या प्लस नहीं, ओके, मींस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ओके। उसके बाद पांच नंबर में क्या करते हैं, क्यों, जोरी नहीं क्यों, डब्ल्यू एच, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के, क्यों कैसे कब कहां बहुत सारे, ठीक है, तो डब्ल्यू एच कुछ भी हो सकता है, क्यों, और इसका इंग्लिश होता है वाई, इसको बनाते हैं वाई प्लस सेंटेंस का तीन नंबर जो बनाए, ओके। फिर छठा में इसको भी नेगेटिव कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा क्यों प्लस नहीं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, और एक बार बता रहा हूं, जैसे कि अगर हम लोग यहां बनाते हैं, तुम महान, सॉरी महान को बता चुका है, तुम ईमानदार हो, ओके, तो तुम का क्या होता है यू, बताओ तो यू आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, यस, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो देखिए यू के साथ क्या लगाते हैं, आ, हर जगह में नहीं लगाएंगे, ठीक है, आई अगर रहेगा तो एम लगाएंगे, यू रहेगा तो आर लगाएंगे, कचरा रहेगा तो इज लगाएंगे, ठीक है। तो यू के साथ क्या लग गया,
आर, तो यू आर, और ईमानदार का क्या हो गया? ऑनेस्ट, तो यू आर ऑनेस्ट। ओके, एक नंबर फिनिश। अब सेकंड में क्या बोल रहा है? नेगेटिव करने के लिए, तो दो नंबर लिखिए, फिर क्या कीजिए, तुम ईमानदार नहीं हो, क्या हो जाएगा? यू आलिया भट्ट, तो आर का आर रहेगा, नेगेटिव के लिए आर एन, ठीक है, तो यू आर एन ऑनेस्ट, एक जोड़ा कंप्लीट। थर्ड में क्या बोल रहा है, तो क्या लिखने के लिए, आप भी लिखो क्या, तो क्या तुम, बार बार माना जाएगा, क्या तुम ईमानदार हो, क्वेश्चन मार्क क्या है, एक वाला सेंटेंस का बीच वाला आगे, ओके, तो एक वाला सेंटेंस कौन वाला, ये इसका इंग्लिश क्या है, ये इसका बीच में क्या है, आर, तो उसको आगे कर दीजिए आर। वो भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं ना, वो पहला लेटर कैपिटल होता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो क्या हो गया आर, बच क्या गया यू और ऑनेस्ट, लिख दीजिए, तो आर यू ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। फिर इसका नेगेटिव कीजिए, क्या प्लस नहीं, तो चार में क्या हो जाएगा, क्या तुम ईमानदार नहीं हो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो आलिया भट्ट क्या हो जाएगा, आर एन यू ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हो गया दो जोड़ा। अब पांच में क्या करेंगे, न तुम ईमानदार क्यों हो, ठीक है, आप देख सकते हो पांच क्यों लगता है, तो क्यों इसको बनाने का क्या क्या है ना, वाई प्लस तीन नंबर, यानी कि वाई लिखो आप और तीन नंबर, तो वन टू थ्री, थ्री में लिखिए क्या लिखे हैं, आर यू ऑनेस्ट, देख देख लिख दीजिए, तो वाई आर यू ऑनेस्ट, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब छठा में क्या बोल रहा है, नेगेटिव करेंगे, क्यों प्लस नहीं, तो क्या हो जाएगा, तुम ईमानदार क्यों नहीं हो, ओके, तो नहीं बस आ गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें इसमें क्या है, नहीं करता है, बस करना कुछ नहीं है, क्या करना है, वाई आर एंड यू ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क, स्ट्रेस कंप्लीट, समझ गए, विश्वास मानिए, अगर ये सेंटेंसेस बनाने का तरीका को समझ गए ना, तो एकदम 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आप स्पोकन इंग्लिश को हंसते खेलते मुस्कुराते सीख जाओगे। हाँ, लेकिन इसका नाम क्या है, स्पोकन इंग्लिश, लिखना तो आपको है ही, लेकिन घर में इसको आपको सेल्फ स्टडी के माध्यम से सुपर सिक्स सेंटेंसेस बोलकर प्रैक्टिस भी करनी है। किस तरह, सुन लीजिए, जैसे कॉलेज में सेंटेंस दूंगा उसको बनाओ, तो उसको बोलकर बिना देखे मिरर के सामने खड़े हो जाइए और उसको बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। किस तरह, देखिए, सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर नहीं है, सीता इजंट ब्यूटीफुल, क्या सीता सुंदर है, इज सीता ब्यूटीफुल, क्या सीता सुंदर नहीं है, इजंट सीता ब्यूटीफुल, सीता सुंदर क्यों है, व्हाई इज सीता ब्यूटीफुल, सीता सुंदर क्यों नहीं है, व्हाई इजंट सीता ब्यूटीफुल, ओके, जैसे वह, सॉरी, तुम ईमानदार हो, क्या बोलेगा, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं हो, यू आर एंट ऑनेस्ट, क्या तुम ईमानदार हो, आर यू ऑनेस्ट, क्या तुम ईमानदार नहीं हो, आर एंट यू ऑनेस्ट, तुम ईमानदार क्यों हो, वाई आर यू ऑनेस्ट, तुम ईमानदार क्यों नहीं हो, वाई आर एंट यू ऑनेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा क्लास समझ में आ गया होगा। ओके, और मैं कुछ होमवर्क रूप में मैं आपको देना चाहूंगा, आप उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो, मेरा होमवर्क है कि तुम डरपोक हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इरेज कर देता हूं, आप इसको देख लिए ना, समझ गए, अब मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए क्या है, तुम डरपोक हो, डरपोक का होता है टीमिड, टी आई एम आई डी, ओके, टीमिड, वह बहादुर है, बहादुर का क्या हो गया, ब्रेव, बी आर ए वी,
इस तमाम को आप क्या करोगे घर में हिंदी इंग्लिश करके सर बताए ना, हाँ नहीं क्या ओमिट किया ना, ठीक है। चौथा में क्या हो जाएगा ना, क्या प्लस नहीं, पांच में क्यों, इसका फॉर्मूला क्या है वाई प्लस थ्री नंबर, छठा में क्यों प्लस नहीं, ओके। इस एंगल से सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बताइए तो जो बात अच्छी लगे, यस जो बात अच्छी लगे इट साउंड्स गुड, जो बात बुरी लगे इट साउंड्स बैड, जो बात हंसी लगे नहीं साउंड्स फनी, और जो बात डरावनी लगे इट साउंड्स टेरर, जो बात आश्चर्य लगे इट साउंड्स स्ट्रेंज, ओके। बताइए तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यू, सेकंड पर्सन बाबा, सब कचरा, ठीक है, हमारा तोरा के छोड़ के सब कचरा। वेल स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे इस क्लास में ज्वाइन करके आप स्पोकन इंग्लिश को घर बैठे सीख सकते हो, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द मेरे आराध्या स्पोकन इंग्लिश सेंटर नाम के चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर एक क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।